हेलो सर, आपका नाम बताइए सर। मैं नवीन प्रधान दार्जिलिंग से है। आपका पर्स जो सर गुम हो गया था उस दिन। हाँ, मेरा वो नेक्स्ट सैटरडे को जी, जब मैं सिलगढ़ी कुछ अपना पर्सनल काम से गया था जी, उस टाइम मेरा सिलगढ़ी जंक्शन में वो बेटी को वॉमिट करने के टाइम में गिर गया था जी जी। कुछ 5-10 मिनट मुझे पता चल गया थोड़ा आगे जाके जी जी। बाद में आके बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला जी जी। रात शाम 6-7 बजे तक हम लोगों ने ढूंढा, वो आके लोकल ने भी बहुत सपोर्ट किया, फिर भी नहीं मिला। उस टाइम में घर आ गया और संडे को मैंने वो थाना में जरपन जाके चिट्ठी कर दिया। बाद में फिर मुझे मंडे में पर्सनल काम लेके वो दार्जिलिंग बाजार गया था। वहाँ पे जोरबंगला थाना का कुछ सिविक भाई से फोन आया जी जी कि आपका वो कुछ गुम हो गया तो मिल गया है, इससे भाई को कॉन्टैक्ट कीजिए जी। मैं ही डाला था सर उसको फेसबुक में, यूट्यूब में मैं ही डाल के रखा था, तो उधर से मेरे को फोन किया था। तो आपको कैसा लगा सुन के? सर टाइम सुन के तो मेरा विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा वो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा हमें, क्योंकि मुझे पता नहीं, विश्वास नहीं था कि वो फिर से मुझे मिलेगा। क्योंकि मैं सोच रहा था कि प्रे कर रहा था कि मुझे पैसा नहीं मिले फिर भी मेरा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उस पर्स में मेरा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स था, जैसे कि वो भाई जिसको मिला वो भाई ने यूट्यूब में भी डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था उसमें। और मैं भी प्रे कर रहा था क्योंकि मेरा बीबी का बचपन का फोटो था, मेरा अपना था, मेरा बेटा का था। बहुत मुझे उस खुशी हुआ। हाँ, बहुत खुशी सुन के हुआ, विश्वास तो नहीं लेकिन बहुत खुशी हुआ। फिर मैं वो एसआई सर से, दार्जिलिंग के एसआई सर ने भी फोन किया था जी जी, फिर आपका नंबर दे दिया जी। मैंने क्या सर, वो जैसे मुझे मिला ना तो मैंने एक दिन रखा अपने पास, फिर दूसरे दिन मेरे को नींद नहीं आया अच्छा से, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ समझ में। फिर बाद में मैं क्या किया, जॉनसन में मिला होगा उसका आईडी प्रूफ बहुत सारा है सर का, तो क्या करूँ समझ में नहीं आया। इसीलिए फिर मैंने उस फेसबुक में, मेरा यूट्यूब चैनल भी है उसमें भी मैंने डाल दिया सब, मेरा व्हाट्सएप में जितने भी पुलिस थाने का था सबको मैंने डाल दिया। तो दार्जिलिंग पुलिस, जलपाईगुड़ी पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सब जगह से मेरे को फ़ोन आया। तो फ़ोन आने के बाद फिर वो लोग दार्जिलिंग का लोकल चैनल्स में भी से फ़ोन आया, तो मैंने ये किया। फिर आपने कांटेक्ट भी किया तो मैंने देख लिया आपका फोटो, मैडम का फोटो मिला के देख लिया, तो बराबर मैच हो रहा था। तो मैं सोचा पैसा तो कमा सकता लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स जो था उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट था, ब्लैंक चेक भी था, तो इसीलिए आप लोग आप चेक कर लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स सब एक बार, ठीक है? आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? आप देख लीजिए उसमें डॉक्यूमेंट सब आपका सब है कि नहीं, कैसा लग रहा है मैडम? हाँ जी, सब है ना, चेक कर लीजिए। ये आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ब्लैंक चेक है, साइन के सब है ना, और एटीएम कार्ड भी चेक कर लीजिए। मैंने खोल योनो का कोड भी था ना, इसलिए मुझे बहुत हो रहा था जी। मैं ये सब के लिए दिया क्योंकि अगर आपका पैसा रहता ना तो शायद मैं नहीं दे पाता, लेकिन डॉक्यूमेंट्स है मेरे को ज़्यादा थोड़ा ये हो गया, तो इसीलिए मैं सोचा देना जरूरी है, ये सब बनाने में बहुत दिक्कत होता है जी, जी। और आपका उसमें एटीएम भी सब चेक कर लीजिए, बहुत सारा एटीएम भी है जी। ये फोटो था, ये फोटो आपको इम्पोर्टेंट था मैडम से मैं छोड़ा। कैसा लग रहा है मैडम? तब कहाँ को दार्जिलिंग को? दार्जिलिंग कहाँ रहा? रङ्गबुल ए हराउनु त धेरै टेन्सन भयो होला होइन? हजुर हजुर हजुर, हुन्छ। भेटेको कुछ कहन चाहूँगा जी जी। जस्ट अभी अभी मैंने जो भाई का एक ठो फेसबुक पे पोस्ट देखा है, मैंने उस पे पोस्ट कर दिया था भाई जैसा इंसानियत कम ही मिलता है जी जी। जैसे इतना सारा मेरा कैश भी था, इतना सारा है जी जी, कैश भी था मेरा, इतना सारा मेरा डॉक्यूमेंट्स था जी जी, इतना एटीएम था जी जी, ये सब। इसे जब भाई से मेरा मंडे को बात हुआ जी जी, भाई ने, भाई से मैंने बहुत उस टाइम भी, क्योंकि आपको जितना शुक्रिया करूँ वो कम ही है मेरे हिसाब से, कम ही है। फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया था कि पैसा में अगर मैं कुछ मुझे बीमार नहीं पड़ जाए तो मैं मेहनत करूँ तो पैसा मैं कमा सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरा इतना डॉक्यूमेंट्स है इनकी सामान था मुझे कम बहुत टाइम लगेगा जी जी। यही आपके फेसबुक में भी मैंने पोस्ट किया था जी जी, लेकिन कुछ बंदा है, एक बंदा ने पोस्ट किया है, रिप्लाई दिया है कि ठीक है आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो सारा पैसा भाई को दे दो और अपना डॉक्यूमेंट्स ले लो। अगर मैं आपके फेसबुक पर डायरेक्टली, अगर भाई अगर आप लेने चाहते तो मैं कैश आपको दे सकता हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट्स ले सकते। नहीं नहीं सर, मेरे तो भाई ने पोस्ट किया था, अच्छा वो नहीं लगा मुझे पोस्ट कर। कौन 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 था वो मेरा फेसबुक में? हाँ, आपका फेसबुक पर पोस्ट किया था, उसको बोल दीजिएगा कुछ ना। एक्चुअली आप जैसा, मेरे पहले भी बहुत बार बोला है, एसआई सर को भी मैंने बोल दिया कि आप जैसा इंसान थोड़ी कम ही मिलता है जी जी जी। हम लोग ओनर को क्या कहना चाहोगे जो देखते हैं, हम लोग का मालिक लोग को? हाँ, आपका ओनर जो है ना, मैं उसको बोलना चाहूंगा भाई बहुत अच्छा है जी जी। हाँ, अगर
बहुत विश्वास से और ईमानदारी से काम करता है जी जी। मैं इसमें से आप कि ये भाई बहुत आगे तक जाएगा थैंक यू सर। मैं इसमें से आपका आगे जाने में ना ईमानदारी और वही काम आता है जी जी। इसमें से मैंने आपका 500-400 रुपए चेंज था वो चलाया, उसमें मैंने 1000 रुपए भी डाल दिया क्योंकि उसमें कुछ चलाया था, मैंने भी उसमें भी और भी डाल दिया जो चलाया था। नहीं नहीं क्योंकि देखिए वो कोई बात नहीं, चलो बात दीजिए, लेकिन आप लोग मेरे लिए जो कुछ लाया वो मुझे दे दीजिए अभी क्योंकि मेरे दोस्त लोग देखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। देखो सर लोग मेरे लिए बहुत कुछ मैम लोग लेके आया है। ओफ ओफ कितना खुशी, देखो काजू, बाप रे बाप, क्या क्या लाया मैम आप लोग, क्यों कितना खर्चा किया दार्जिलिङ। तब दार्जिलिङको मान्छेहरूलाई के भन्नुहुन्छ सर, किन कोहीले बाबु कसैले पाए पनि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया यो सबके लिए। दार्जिलिङको मान्छेहरूलाई अब कोही कसैको पाए पनि क्या त्यो नेपालीमै भन्नुहोस् न, राम्रो हुन्छ नि। जस्तो थुप्रैवटा उयोहरू देख्छौँ है, जसले पर्समा त भएन मोबाइल फोनहरू भयो, मोबाइल फोनमा पनि सेम त्यही हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ है, जसको कारणले धेरै नै मान्छेलाई समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले कुनै पनि चिज चाहे सानोभन्दा सानो चिज होस् है, हुन त आज मलाई परेर मैले भेटेँ मेरो चिज मैले पाएँ भनेर म त भन्नु खोजेको होइन, यो आज मलाई परेर मैले अनुभव गरेको मात्र, तर अरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु कि धेरै दुःख पर्दो रहेछ है, धेरै आफ्नो तकलिफ हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँले कुनै पनि सानोभन्दा सानो चिज कसैको पाउनु भएछ भने चाहिँ भाइ जस्तै है, जस्तै भाइको नाम राजा जस्तै राजा भाइले जस्तै मलाई यो उयो गर्नुभयो, यो गुण लाउनु भयो, यो म मरेर गए पनि यो गुण सायद म भुल्न सक्दिनँ है। यस्तै अब तपाईँहरूले पनि कुनै पनि चिज सानो न सानो कसैको पनि होस् है, तपाईँले भाइले जस्तै दिनुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने म चाहन्छु है। आज मलाई पर मैले मात्रै मलाई पर्दा मात्रै मैले थाहा पाएको होइन, धेरै नै तकलिफ हुँदो रहेछ।